वेलकम टू ऑल यू बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. इन लास्ट क्लास वी लर्न अबाउट ड्राइंग थ्योरी फर्स्ट, ड्राइंग थ्योरी सेकेंड, एंड टूडे वी प्ले विथ ग्राफ्स रिलेटिंग टू ड्राइंग थ्योरी. व्हेन वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन ड्राइंग रेट एंड मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज, सो व्हाट चेंजेस अकर्स. इस ड्राइंग थ्योरी थर्ड में हम ये देखेंगे कि हमने थ्योरी पढ़ ली है ड्राइंग की. अब हम देखेंगे कि ड्राइंग रेट और मॉइस्चर कंटेंट परसेंट पे हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ड्राइंग कैसे होती है. तो सबसे पहले हम जैसे ही ग्रेन को ड्रायर में रखते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि अनबाउंड मॉइस्चर ग्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले वो ही इवेपोरेट होता है जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था. तो सबसे पहले क्या होता है, व्हेन ड्राइंग स्टार्ट द अनबाउंड मॉइस्चर और बिहेव्स लाइक अ मॉइस्ट सरफेस फ्री वाटर सरफेस. जो अनबाउंड मॉइस्चर कंटेंट होता है वो फ्री वाटर सरफेस की जैसे बिहेव करता है. इनिशियली ड्राइंग फॉलोज अ कॉन्स्टेंट रेट ड्राइंग. जैसे ये ड्राइंग रेट अगर हम एक्स एक्सिस पे ले लें और मॉइस्चर कंटेंट, सॉरी ड्राइंग रेट वाई एक्सिस पे ले लें और मॉइस्चर कंटेंट एक्स एक्सिस पे ले लें, तो सबसे पहले जो ड्राइंग होती है वो कॉन्स्टेंट रेट ड्राइंग होती है. कॉन्स्टेंट रेट ड्राइंग को फॉलो करते हैं. इसका मतलब क्या है कि जो हमने देखा था जो सरफेस से इवेपोरेशन होता है और जो इनर पार्ट से जो मॉइस्चर सरफेस पे जाता है वो कॉन्स्टेंट होता है, या दोनों का रेट जो होता है वो इक्वल होता है, इसलिए कॉन्स्टेंट ड्राइंग रेट को फॉलो करता है. तो उसका ग्राफ हमारा ये एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट ड्राइंग है. अगर हम यहाँ पर देखें तो ए वन पॉइंट से जिस टू पॉइंट है इसके बीच में जो ड्राइंग हो रही है वो कांस्टेंट हो रही है, तो इसको हम कांस्टेंट रेट ड्राइंग पीरियड बोलेंगे या कांस्टेंट रेट ड्राइंग बोलेंगे. ये देखो इसके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सभी पॉइंट पे जो ड्राइंग हो रही है वो कैसी हो रही है, कांस्टेंट हो रही है. यहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ वैल्यू हो ड्राइंग रेट की, मान लो एक्स है, तो ये कांस्टेंट रेट ड्राइंग होगी एक से वन तक. और ये जो कांस्टेंट रेट ड्राइंग है ये कंटिन्यूस कब तक होगी, जब तक कि जो सरफेस से इवेपोरेशन है और मॉइस्चर जो उसके इनर पार्ट से जो सरफेस तक मूव कर रहा है ये दोनों कंटिन्यूसली इक्वल रेट से जब तक फ्लो करते रहेंगे तब तक ये कांस्टेंट रेट ड्राइंग होती रहेगी. मीन्स दिस पीरियड कंटिन्यूस टिल द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस इज इक्वल टू द रेट ऑफ मॉइस्चर माइग्रेशन फ्रॉम इंटीरियर ऑफ प्रोडक्ट टू इट्स सरफेस. कॉन्स्टेंट रेट ड्राइंग कंटिन्यूस टिल क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट इज रीच्ड, एंड क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट एंड इट्स थिकनेस. ये यहाँ पे आके कॉन्स्टेंट रेट ड्राइंग सीज हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, और फर्स्ट फॉलिंग रेट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी. ये हम इसको नंबर थर्ड दे देते हैं, एफ वन. और जहाँ जाके कॉन्स्टेंट रेट ड्राइंग रुक जाती है और फॉलिंग रेट ड्राइंग शुरू हो जाती है, फर्स्ट फॉलिंग जिसको बोलते हैं, तो ये हमारा जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट. पीरियड एफ वन इज नोन एज फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड. इन दिस पीरियड बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ वेट सरफेस एरिया ऑफ ड्राइंग, तो क्या होता है, जो वेट सरफेस जो एरिया है ग्रेन का, ये वेट सरफेस एरिया डिक्रीज होते जाएगा क्योंकि ड्राइंग स्टार्ट हो गई है, और जैसे जैसे वेट सरफेस एरिया कम होते जाता है तो ये फर्स्ट फॉलिंग रेट स्टार्ट हो जाती है. तो क्योंकि इसका वेट सरफेस एरिया कम होता है तो ड्राइंग रेट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है. ये देखो ये कर्व
नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो क्या होगा, ड्राइंग रेट इसका कम होते जाएगा। सो पीरियड एफ वन इज नोन एज फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड। इन दिस पीरियड बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ वेट सरफेस एरिया द ड्राइंग रेट डिक्रीज एज ड्राइंग प्रोसीड्स। यदि हम और भी ड्राइंग करना चाहते हैं, और ड्राइंग करेंगे हम, तो एज ड्राइंग प्रोसीड्स द फ्रैक्शन ऑफ वेट सरफेस डिक्रीज टू जीरो। और जो वेट सरफेस है, अगर हम और ड्राइंग करते जाएंगे तो वेट सरफेस एरिया कम होते जाता है, और धीरे धीरे कम होते क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है वेट सरफेस एरिया। और जब वेट सरफेस एरिया जीरो हो जाता है तो जो एफ वन पीरियड है, जो एफ वन ड्राइंग होती है, यहाँ जाके क्या हो जाती है, रुक जाती है। और एफ वन ड्राइंग रुक जाती है और वहाँ से एफ टू पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड कहते हैं। इन दिस पीरियड अब क्या होगा, मॉइस्चर सब सरफेस से इवेपोरेट होना चालू होता है। इन दिस पीरियड सब सरफेस इवेपोरेशन टेक प्लेस एंड इट कंटिन्यूस टिल द इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट इज रीच्ड। हम इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, उसमें हम और अच्छे से इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है वो पढ़ेंगे। ये यहाँ पे जाके हमारा EMC, जब सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड जो एंड हो जाता है, तो कब एंड होता है ये, जब मटेरियल विल अटेन EMC, मतलब इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट। अब हम ड्राइंग कर्व का मॉइस्चर कंटेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ देखें, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया मॉइस्चर कंटेंट और ये हो गया टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ की जो टेंडेंसी है वो कुछ इस तरह से ऐसे होती है। मींस सबसे पहले हम जब प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करते हैं या ग्रेन को, तो उसमें कुछ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, सबसे ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी ड्राइंग। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया और ये फोर्थ पॉइंट हो गया। तो मॉइस्चर सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा है ये यहाँ से, और जैसे जैसे ड्राइंग होती है मॉइस्चर देखो धीरे 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 कम होते जाता है, तो एक ऐसे कर्व हमको मिलता है टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, उसकी जो ड्राइंग हो रही है उसका मॉइस्चर कंटेंट कम होते जा रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है। ये यहाँ पे आके जब टाइम ज़्यादा है तो यहाँ मॉइस्चर कंटेंट इसका एक सेफ मॉइस्चर लेवल पर आ गया, इसको हम बोलते हैं EMC, इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट, और इस पे प्रोडक्ट सेफ होता है। मींस EMC गिव्स एन आइडिया वेदर द प्रोडक्ट गेन और लूज द मॉइस्चर इन अ पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक कंडीशन और पर्टिकुलर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि EMC वह है, हमको EMC से हमको एक आइडिया लगता है कि ग्रेन जो है वो मॉइस्चर को गेन करेगा या मॉइस्चर को लूज करेगा एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे या टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी के एक पर्टिकुलर सेट पे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और मैंने जितना भी जो थ्योरेटिकल जो मैंने आपको बताया है उसको आप सुन के उसको आप नोट करिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। थैंक यू।